गुड मॉर्निंग सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में आज का हमारा विषय है चैप्टर नंबर 14 संख्या, जिसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स में हमारे पास इसमें सीखते हैं माध्य, माध्य और मूल को निकालना सीखते हैं। माध्य यानी कि जिसको हम औसत बोलते हैं, औसत निकालना सीखते हैं। इससे पहले भी आपने पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से हम जो माध्य है उसको निकालते हैं, भूलों को निकालते हैं। माध्य सबसे पहले हम चर्चा करेंगे माध्य के बारे में कि माध्य किसी भी जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसको माध्य हम किस प्रकार से किस पैटर्न के द्वारा निकाल सकते हैं। इसकी तीन विधियाँ हैं हमारे पास। एक है हमारी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित विधि और तीसरी है पद विचलन। पहले हम तीनों विधियों के बारे में एक बार चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि एक अपने आप में प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल आपको एज इट इज दिया गया है उसको आपने उसमें ज्यादा छेड़ना है, कुछ नहीं करनी है। एज इट इज उसको आपको उसका शोषण करना है, उसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। हम सबसे पहले एक्स बार है, एक्स बार के और मतलब क्या है जो किसका जो फ्रीक्वेंसी में इसके साथ सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय यदि बढ़ेंगे सिग्मा एफ आई। इस एक ये विधि हमारे पास इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या है एच बार मीन मैंने बात है, इसमें क्या करेंगे हम एफ आई और एक्स आई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और बाय सिग्मा एफ। दूसरी हमारी विधि आती है कल्पित विधि। कल्पित विधि से ही आपको समझ जाना चाहिए इसमें हम किस प्रकार की विधि है उसका इस्तेमाल। बच्चे क्या करते हैं कि वो कोई भी जो क्वेश्चन होती है उसको समझने के बजाय उसे देख के क्या हो जाते हैं खराब हो जाता है, इसमें क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम किसी भी जो शब्द है उसको संधि विच्छेद करें तो उससे आपकी जो आदि जो सोल्यूशन है आप खुद कर पाते हैं। कल्पित, कल्पित का मतलब क्या करना, कल्पना किया है, यानी कि हमने क्या कर लिया इस विधि के द्वारा जो हमें बार बार जो आंकड़े दिए हुए थे उसमें अपने मन से हम कल्पना कर सकते हुए जो कल्पना करेंगे उसी के बेस में जो भी चीज है इसका आंसर हमारे पास होने से आएगा। इसको इसके प्रश्न है इसका फॉर्मूला क्या है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई डी आई बटे सीमा एफ। अब आप दिमाग में एक बात रहेगी कि सीमा ए जो है एफ आई के साथ पहले एक्स आई था और डी आई था और ए कहां से, ये दोनों बातें आपके मन में रहेंगी। अब ए को हमने क्या है माना है, यानी क्योंकि पहले से आपको इससे समझ आ रहा है उसमें जो गया मैंने आपको पहले इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि कल्पित विधि यानी कि कल्पना की हमने चीज कल्पना की और उससे हमारा क्या हुआ हमने डी प्राप्त किया और उसका जो भी चीज है दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और उससे हमने जो फ्रीक्वेंसी है उसे क्या कर दिया डिवाइड। तीसरी हमारी जो विधि है वो है पद विचलन। पद विचलन में पिछले इक्वेशन की तरह इसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा सा लगता है दोनों के बीच में पद विचलन। पद विचलन यानी कि जो उसके पद है इस पद यानी कि जो स्टेप है उसे उनमें हम थोड़ा सा वो क्या करेंगे परिवर्तन करेंगे दोनों के पद बदलाव करेंगे। तीसरी जो विधि है वो है हमारी पद विचलन। जिस तरह से आपने कल्पित विधि के माध्यम से आपने समझा कि इसके जो मैंने जो दी गई है उसी से आपको समझ में आया कि इसमें क्या होगा अलग से क्या होगा, तो इसी प्रकार आप इसके नाम से आप समझ सकते हैं
इसके अंदर कुछ ना कुछ इन दोनों से कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा, पर विचलन यानी कि जो स्टेप है वो चेंज रहेंगे, इनसे भी ज्यादा चेंज होगा उसको। तो इसकी जो क्या रहेगा फॉर्मूला, स्टेप क्या रहेगा, एक्स वाई हम माने ए, ये हमने पहले माना था कभी भी नहीं लिया हम, अब क्या करें ए प्लस एक्स भी रहेगा और इससे हमें इसमें हम कुछ और भी जो करेंगे क्या रहेगा सिग्मा एफ आई यू आई जो हमें इक्वेशन से प्राप्त होगा सिग्मा एफ आई यू आई बटे बाय क्या रहेगा सिग्मा एफ। इसमें नई चीज क्या है, इससे अलग इनसे अलग एक चीज और नहीं है जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या है एच, एच मीन क्या है हाइट, हाइट मीन क्या है जो फ्रीक्वेंसी को आंकड़ों की जो बीच का जो है गुण है। आज हमने इन तीनों वीडियो के बारे में हमने आज चर्चा की, प्रत्यक्ष विधि क्या है, कल्पित विधि क्या है और पदविचलन विधि क्या है। कल हम इसके जो चैप्टर है इसकी जो डिस्कशन इसके बारे में जो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करें। धन्यवाद।